मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, उसको आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में, तो यहाँ पे जो दोस्तों आप देख रहे हैं, जो आईसी है जिसमें इस साइड में चार पिन है और इसके पीछे साइड में चार पिन है, तो ये हम लोग का आठ पिन का आईसी होता है जनरली, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है। पर्टिकुलर कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के वजह से इनका नाम पड़ा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि हम लोग का ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये किस प्रकार से हम लोगों का काम में आता है, हम लोग इसे इस्तेमाल कर पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो अगर हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में जानेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक ट्रायंगल नुमा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल नुमा स्ट्रक्चर है दोस्तों। और इस ट्रायंगल नुमा स्ट्रक्चर में हम लोगों के, आप देख सकते हैं कि इस तरफ से दो इनपुट्स दिए गए हैं, एक आउटपुट है, और इधर से एक पॉजिटिव और इधर से एक नेगेटिव सप्लाई दिया हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पांच पिन हमें तो दिख रहे हैं, पर इसके जो बाकी के पिन्स होते हैं, आईसी के भीतर जो बाकी के पिन्स होते हैं, वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। और पहला जो होता है वो डाइवोट पिन एंड माना जाता है, बैलेंस करने के लिए होता है हम लोगों का दोस्तों। इनपुट दो है हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे आउटपुट छठा नंबर में एक है, और पहला पिन और पांचवा पिन हम लोगों का बैलेंस के पर्पज में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की अगर बात करेंगे हम, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है या तो इन्वर्टिंग ऑपरेशन में परफॉर्म करेगा या नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, और इसका एक आउटपुट रहेगा। इसकी अगर पावर कनेक्शंस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग पावर कनेक्शन जो है पिन नंबर 4 और पिन नंबर 7 में हम लोग इसे कनेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखेंगे, अगर मान लीजिए कोई ये ओपाम ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम लोगों का आइडियल हो, अब आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहने का ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो एम्पलीफायर होता है वो कुछ डिफरेंट हो, जैसे कि उसमें सारी खूबियां हो। अगर वो 100% में कोई एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम कर रहा हो, जो कि जनरली पॉसिबल होता तो नहीं है, पर इसे एजम्पशन मान के हम लोग चलते हैं, इसके ऊपर हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, तो उसे हम लोग आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं। तो अगर एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें इनफाइनाइट वोल्टेज गेन होता है, यानी कि जो वोल्टेज डिफरेंस होता है वो दोनों को आप मैग्नीफाइड कर सकते हो इन्फिनिटी लेवल तक, और उसमें कुछ 20,000 से भी अधिक यानी 200,000 तक भी आपको मिल सकते हैं गेन। अच्छा, अगर ये आपका आइडियल ओपम के केस में हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं, फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, और इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस की अगर बात करें, तो इसमें जो करंट है वो करंट दोनों तरफ से हम लोग उसे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, तभी इसमें करंट की मात्रा फ्लो हो पाती है। और FETs के भी हम लोग के ओपाम्स आते हैं फ्रेंड्स, FETs भी यूज होते हैं ट्रांजिस्टर में, BJTs भी यूज होते हैं, डिपेंड करता है किस तरीके का आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर चाहते हैं, क्या आईसी नंबर के हिसाब से सब कुछ डिफरेंट हो जाता है, वैल्यूज डिफरेंट हो जाते हैं। तो अगर इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस चाहिए तो उसमें FET सबसे ज़्यादा अच्छे काम करते हैं, अगर जीरो आउटपुट इम्पीडेंस चाहिए तो रॉक सॉलिड इंडिपेंडेंट ऑफ लोड में हम लोग काम करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और रफली अगर कहा जाए तो करेंट मैक्सिमम हम लोग का 5 से 25 mA तक हम लोगों का करेंट का जो वैल्यू होता है वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से, मतलब हमें जीरो आउटपुट इम्पीडेंस प्रोवाइड करता है, मतलब आउटपुट का इम्पीडेंस अगर जीरो हो जाता है तो ऑब्वियसली इसका आउटपुट जो वोल्टेज होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या करंट कह लीजिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम लोगों का जो इन्फिनाइटली फास्ट ये काम करता है, इसकी काम करने की जो बैंडविड्थ होती है वो मेगा हर्ज के रेंज में होती है, और इसका जो स्ल्यू रेट होता है वो कुछ 0.5 से 20 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड के हिसाब से ये काम करता है फ्रेंड्स। अब अगर हम देखेंगे एक सिंपल ओपाम जिसमें हम लोग फीडबैक कनेक्ट नहीं करते हैं सपोज, तो इसका जो इंटरनल फॉर्मूला है ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आउटपुट वोल्टेज के बराबर हो जाएगा गेन इनटू पॉजिटिव वोल्टेज माइनस नेगेटिव वोल्टेज हो जाएगा। तो अगर इसमें आप बात करोगे कि जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर होगा, अग्रेटर आउटपुट पॉजिटिव वैल्यूज देने के लिए, जो नेगेटिव ग्रेटर वैल्यूज है वो अगर ज़्यादा हो जाता तो आउटपुट नेगेटिव में चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपके दो आउटपुट्स यहाँ पे मिल सकते हैं, डिपेंड करता है कि किसका वैल्यू हाई होता है और किसका वैल्यू लो हो जाता है। और अगर गेन की बात करें तो गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है जो प्रैक्टिकली हम लोगों का यूजलेस हो जाएगा फिर, इसीलिए हम लोग बिना फीडबैक के ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस्तेमाल नहीं करते हैं दोस्तों। अब अगर बात करें कि इनफाइनाइट गेन अगर नेगेटिव फीडबैक के साथ हो, यहाँ आप देख सकते हो कि नेगेटिव टर्मिनल यहाँ इनपुट का जो है इसके साथ हम लोगों का एक पाथ कनेक्टेड है, तो ये नेगेटिव फीडबैक लूप कहा जाता है दोस्तों। और इसके साथ अगर ये कनेक्टेड होगा तो इनफिनाइट गेन दे सकता है बहुत ज़्यादा। अगर आप इसको मान लीजिए कि इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सिचुएशन में, नेगेटिव सिचुएशन में यूज़ करना चाहते हैं फीडबैक के तौर पे, तो इसमें ऑसिलेशंस काफ़ी अच्छे रहेंगे और इसका जो स्टेबिलिटी रहेगा वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। तो इमेजिन कर सकते हैं हुकिंग आउटपुट के लिए जो इन्वर्टिंग टर्मिनल में हम लोग का होता है, इफ़ द आउटपुट इज लेस देन वी इन इट सूट्स पॉजिटिव, अगर वी इन से ये कम होगा तो ये पॉजिटिव आउटपुट देगा। अगर ये हम लोगों का इफ द आउटपुट इज ग्रेटर देन वी इन, अगर वी इन से ज़्यादा होता है तो ये नेगेटिव आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं कि इवन अंडर लोड, अगर लोड कंडीशन के साथ अगर हम बात करें तो लोड कंडीशन के साथ जो हमारा आउटपुट रहता है उसमें हम लोग जो ओपाम होता है उसमें जो करंट के अपने जो लिमिटेशंस होते हैं तो वीन तक ही रीच कर पाते हैं, और नेगेटिव फीडबैक में ये सेल्फ करेक्शंस भी कर सकता है, इसके लिए ये बना होता है और इसके बनावट के वजह से ये सेल करेक्शन करने के लिए ये एलिजिबल हो जाता है फ्रेंड्स। अब ओपाम जो है ये अपने आप को ड्राइव्स कर सकता है, मतलब अपने आप को चला सकता है नेगेटिव फीडबैक के साथ, और इसके आउटपुट जो है ये हमारे गेन जो है वो मैनेजेबल हो जाते हैं। बट अगर हम पॉजिटिव ले लें गेन तो पॉजिटिव फीडबैक के साथ कनेक्ट कर ले तो ये हम लोगों का अनमैनेजेबल हो जाता है, क्योंकि गेन उसमें बढ़ते चला जाता है फ्रेंड्स हर बार के लिए। तो इस प्रकार से ये काम करता है फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव फीडबैक लिया है और पॉजिटिव फीडबैक में यहाँ लिख दिया गया है बैड। बैड का मतलब इसकी जो आउटपुट होएगी देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ते चली जाएगी। स्मॉलर, अगर मान लीजिए कि बहुत ही स्मॉलर आप इनपुट दे रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू के साथ, तो भी ये आपका फीडबैक के साथ वो मल्टीप्लाइड होते चले जाएगा, फिर उसके साथ नेक्स्ट लेवल पे फिर वो उसके साथ चला जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा ना कि इसकी वैल्यूज रेगुलरली बढ़ती चली जाएंगी, और इसको कहते हैं इमीडिएट रेल एट द सप्लाई वोल्टेज, इसको इमीडिएट रेल कहते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं ना, पॉजिटिव फीडबैक को सही नहीं मानते हैं, इसमें नेगेटिव फीडबैक जो होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में वही सबसे बढ़िया काम करता है फ्रेंड्स। अब अगर हम लोग कुछ गोल्डन रूल्स की बात करें ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स जो इनपुट होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में वो सोर्स नो करंट में हम लोगों का काम करता है। अब जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अगर मान लीजिए कि आप डिफरेंस वोल्टेज डिफरेंस की बात करते हैं तो इनपुट वोल्टेज डिफरेंस आपका 0 हो जाए तो भी ये बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो ये गोल्डन रूल्स है, ठीक है, इस प्रकार से गोल्डन रूल्स को हम लोग फॉलो करते ही हैं। अब जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मेन ऑपरेशंस होता है वो एक इन्वर्टिंग ऑपरेशन होता है और एक नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशन होता है। तो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में देखिए दोस्तों यहाँ टर्मिनल का अंतर है, यानी कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल में इनपुट हो तो इसे नॉन इन्वर्टिंग कहेंगे, अगर नेगेटिव
टर्मिनल में इनपुट हो तो इसे इन्वर्टिंग कहेंगे। इन्वर्टिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर आप साइनोसोडियल इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट में वो फेज शिफ्ट हो जाएगा। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल फिर नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ इनपुट आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो आउटपुट का जो साइकिल होगा वो पहले नेगेटिव आएगा फिर पॉजिटिव आएगा। अगर आपने नेगेटिव टू पॉजिटिव साइकिल दिया है तो आउटपुट में पॉजिटिव टू नेगेटिव साइकिल अपीयर होगा और एम्पलीफिकेशन के साथ होगा। दोस्तों देखिए वर्चुअल ग्राउंड जो कंसेप्ट है यहाँ पे दोनों तरफ हम लोगों का, अगर यहाँ पे हम ग्राउंड कर देंगे तो यहाँ पे हम लोगों का वोल्टेज जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे भी वोल्टेज का वैल्यू जीरो ही माना जाता है दोस्तों, क्योंकि ये वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट पे आधारित है। और फिर हम लोगों का वैल्यू हो जाता है आई एफ इजिकल टू वी इन बाई आर वन हो जाता है। ये वी इन हम लोगों का इनपुट वोल्टेज है, आर वन हम लोगों का ये वोल्टेज है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि आई एफ का जो वैल्यू है If will be equals to Vin by R1 हो जाएगा। और जो करेंट होता है, करेंट की अगर हम बात करते हैं तो इस रूल के तहत अगर काम किया जाए तो वोल्टेज ड्रॉप जो R2 के अक्रॉस होगा तो वो हो जाएगा IFR2 is equal to Vin into R2 divided by R1 हो जाएगा। ये वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला के हिसाब से है दोस्तों। तो इसको अगर फाइनली अगर आउटपुट वोल्टेज आप चाहोगे कि व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज, तो जीरो माइनस वी इन इंटू आर टू बाई आर वन, तो ये हम लोगों का फाइनल वोल्टेज है। और ये जो वोल्टेज आ रहा है इसमें देख सकते हैं कि ये माइनस साइन हम लोगों का बना हुआ है, यानी कि आप पॉजिटिव इनपुट देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर आप नेगेटिव इनपुट देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा वैल्यू। और इस प्रकार से हम लोग का फेज शिफ्ट यहाँ पे ऑकर होता है दोस्तों आउटपुट में। इनपुट का 180 डिग्री का फेज शिफ्ट यहाँ पे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में ऑकर्स होता है जनरली। तो इस प्रकार से इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हम लोगों का, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम लोगों का काम करता है। जनरली हम लोग जो आईसी यूज़ करते हैं 741 का आईसी यूज़ करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए, और भी कई सारे आईसीज हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नॉन इन्वर्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों हमने पहले ही बात किया है कि नॉन इन्वर्टिंग के केसेस में, यहाँ देखिए दोस्तों आप कहोगे कि पॉजिटिव से फीडबैक क्यों नहीं लिया गया, ये हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि पॉजिटिव से हम लोग फीडबैक नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं वो रीजंस के बारे में हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया। आप थोड़ा सा फिर पीछे जाके देख सकते हो चाहो तो वीडियोस में, अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेगेटिव के साथ हम लोगों ने फीडबैक जोड़ा है पर इनपुट हम दे रहे हैं तो पॉजिटिव में, और यहाँ पे जो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड रेजिस्टेंस है उसको हम लोगों ने यहाँ ग्राउंड कर दिया अपने। तो अब अगर हम लोग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसे भी हम लोगों ने इक्वेट किया, तो हम लोग को इक्वेट करने के बाद हमें दोस्तों मिल रहा है, क्या मिल रहा है, R1 के अक्रॉस मिला आई एफ इजिकल टू वी इन बाई आर वन, जैसे कि प्रीवियस में मिलता था वैसे ही मिला। बट अगर हम यहाँ R2 के अक्रॉस फाइंड कर रहे हैं तो R2 के अक्रॉस देखिए यहाँ पे दोस्तों आई एफ आर टू इजिकल टू वी इन इंटू आर टू बाई आर वन, और ये दोनों को जब हम इक्वेट करके सॉल्व कर रहे हैं वी आउट के लिए तो वी इन प्लस वी इन इंटू आर टू बाई आर वन, तो वी इन इंटू यहाँ पे वी इन कॉमन चला जाएगा दोस्तों, तो वी इन इंटू वन प्लस आर टू बाई आर वन ये हम लोगों का वैल्यू आया। तो वी आउट बाई वी इन इजिकल टू गेन हो जाता है हमारा फ्रेंड्स, तो गेन जो होता है वोल्टेज गेन हम लोगों का दैट इज इक्वल टू वन प्लस आर टू बाई आर वन, यानी कि आर टू और आर वन को जैसे आप चेंज करोगे वोल्टेज गेन उसी प्रकार से ऑपरेशनल एम्पलीफायर में चेंज होते जाएगा। और इसे आप मान के चलो कि अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस आपने लिया हुआ है तो उसको अगर जैसे ही आप चेंज कर रहे हो सर्किट में तो यहाँ पे आउटपुट भी हम लोग का वोल्टेज चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम जाएंगे दोस्तों समिंग एम्पलीफायर पे, ये भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक ऑपरेशन है जिसमें पहले तो हम लोगों ने देखा इन्वर्टिंग, फिर देखा नॉन इन्वर्टिंग, फिर आते हैं हम लोग समिंग एम्पलीफायर पे। समिंग में हम लोगों का नाम से ही पता चलता है इसका काम, और वो है कि समिंग करेगा यानी कि ऐड करेगा। तो यहाँ पे ठीक उसी प्रकार से फिर से हम लोगों ने सॉल्व किया, और दोस्तों आप देख सकते हैं कि भी आउटपुट जो वोल्टेज मिला तो वो कितना बराबर है इजकल टू माइनस ऑफ आर एफ इंटू वी वन बाई आर वन प्लस वी टू बाई आर टू। तो यहाँ पे नेगेटिव होने का कारण क्या है कि यहाँ पे हम लोग इनपुट जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो नॉन इन्वर्टिंग में नहीं देके हम लोग इन्वर्टिंग में हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो वी आउट आ रहा है वो वी वन प्लस वी टू आ रहा है। आई कैन बी नंबर्ड ऑफ समिंग एम्पलीफायर, इसमें बहुत सारे समिंग एम्पलीफायर को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के रूप में इस्तेमाल करने के लिए।
नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए डिफरेंस एम्पलीफायर। तो डिफरेंस एम्पलीफायर की जब हम बात करते हैं तो पॉजिटिव मतलब इन्वर्टिंग इनपुट और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट दोनों पे हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, और जब दोनों पे सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और उसे मान के चलिए कि जब हम इक्वेट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा वोल्टेज आउटपुट आएगा, एंड द वोल्टेज आउटपुट विल बी इक्वल्स टू आर टू बाई आर वन और भी माइनस भी पॉजिटिव माइनस भी नेगेटिव। तो ये हम लोग का हो गया दोस्तों डिफरेंस एम्पलीफायर, और इस प्रकार से इसे सॉल्व किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएटर। देखिए दोस्तों, पहला वाला था हम लोग का डिफरेंस एम्पलीफायर, यानी कि पहला तो था समिंग, फिर आया डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्टिंग, अब हम लोग जा रहे हैं डिफरेंशिएटर। ये हम लोगों का जैसे इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन होता है, तो ये डिफरेंशिएटर है, यानी कि डिफरेंशिएशन का जो ऑपरेशंस होता है डी क्यू बाई डी टी के रूप में, उसको हम लोग यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक कैपेसिटर लगाना है इन्वर्टिंग इनपुट पे, और नॉन इन्वर्टिंग को आपको ग्राउंड कर देना है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से ये हम लोगों का डिफरेंशिएटर सर्किट बन जाएगा, और इसका वैल्यू आएगा जो हमारा करंट है I इज इक्वल टू, ऐसे भी हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, सो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी एंड विच इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। अब इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करने के बाद इसे हाईपास फिल्टर के तहत जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए वी आउट इज इक्वल टू हम लोगों को मिल रहा है माइनस ऑफ आर सी इंटू डी वी बाई डी टी, और अगर इसे आप हाईपास फिल्टर के थ्रू आप सॉल्व करना चाहेंगे तो यहाँ साइन कोस थीटा ये सब इन्वॉल्व हो जाएगा दोस्तों, साइन ओमेगा टी, ये एंगुलर हम लोगों का ऑसिलेशंस जो है, हम लोग का सिग्नल का ऑसिलेशंस है टू पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एफ हो जाता है, उसके वैल्यूज को हम लोगों का काम करेगा, उसके वैल्यूज को हम लोगों का ऑफ हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पे काम होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो डिफरेंशिएटर है हम लोगों का हाई पास फिल्टर में, जो हम लोग का ये जो काम हो रहा है इसको जब हम सॉल्व कर लिए तो फिर देखें लो पास फिल्टर जो है उसको इंटीग्रेटर कहेंगे, हाई पास हम लोग का डिफरेंशिएटर, लो पास हो जाएगा इंटीग्रेटर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फीडबैक पाथ है, फीडबैक पाथ में ही हम एक कैपेसिटर को अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो हो जाता है इंटीग्रेटर। तो यहाँ पे देखिए आई एफ इज इक्वल टू वी इन बाय आर हो गया, और इसको हम लोगों ने देखे सी डी वी बाई डी टी यहाँ पे हम लोगों ने पा लिया। तो इसको जब हम इस साइड ले जाएंगे इक्वल्स टू के उस साइड, तो ये इंटीग्रेशन होके आएगा, और इसको जब हम बाहर ले लेंगे, ये कांस्टेंट टर्म है तो बाहर चला गया माइनस ऑफ वन बाय आर सी हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ वी इनपुट डी टी। तो वी आउटपुट इज इक्वल टू इस प्रकार से हम लोग का वैल्यू आएगा दोस्तों, समझ में आ गया। अगर हम इस सर्किट ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जो सर्किट्स होते हैं इसको अगर हम यहाँ पे बिल्डअप करेंगे, कहाँ पे दोस्तों, अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए अगर बिल्डअप करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारे वैल्यूज़ इस तरीके से हम लोग असाइन करेंगे, और इसके आउटपुट जो हैं जैसे कि हम लोग का ये वन टू वन एक आउटपुट को फिर दूसरे में इनपुट किया गया है, तो कैस्केड कनेक्शन आप समझ सकते हो, या फिर टू एंडेड हो गया ये कनेक्शन। इस प्रकार से हम लोग जब इसे कनेक्ट करेंगे तो हम लोगों के फिर उसके रिजल्ट भी डिफरेंट आएंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी चार प्रकार के पढ़े हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और कैटेगरी दो के ऊपर जैसे कि एक इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर, तो नॉन इन्वर्टिंग में तो हमें करना नहीं है दोस्तों, पर इन्वर्टिंग में अगर हमने किया समिंग एम्पलीफायर, डिफरेंस एम्पलीफायर, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, ये सारे सर्किट्स पे जब हम काम करेंगे तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिजल्ट्स मिलेंगे। और अभी जो सर्किट्स था उस पर कुछ ये एनालिसिस है, इस एनालिसिस को फर्स्ट स्टेज में हम लोग को क्या वैल्यूज आ रहे थे वोल्टेज के, टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस के वैल्यूज क्या थे, कितना प्रिसाइज लिया गया था वैल्यू, इसके ऊपर ये वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट किया गया, सेकेंड स्टेज में क्या वैल्यू आया, तो ये कुछ कैलकुलेशंस है फ्रेंड्स, इसे आप ट्राई कर सकते हो, बना सकते हो, आप देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि डिस्टोर्शन की बात करेंगे, तो जो हम लोगों का पुश पुल ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है तो इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, और इस रोल में अगर हम बात करेंगे कि दो ट्रांजिस्टर लिए जाते हैं जनरली,
तो एक होता है हम लोग का NPN और एक PNP ट्रांजिस्टर होता है, तो एक पुश का काम करता है तो एक पुल का काम करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर हम लोगों का वर्क कर जाता है दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों, तो जो हम लोगों का साइनोसोडियल सिग्नल होगा उसमें कुछ डिस्टोर्शन आएगा और इस डिस्टोर्शन को हम कहते हैं क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि सिग्नल यहाँ पे ख़त्म हो गया, फिर कुछ देर तक यहाँ पे रेड जो हम लोग का लकीर है ये कुछ देर तक बढ़ा, फिर यहाँ पे सिग्नल स्टार्ट हुआ है, फिर हम लोग का यहाँ पे सिग्नल स्टॉप हो गया। तो ये जो कुछ देर तक रुका हुआ था, इस सिग्नल को ग्रीन वाला हम लोग का इनपुट सिग्नल है, रेड वाला हम लोग का आउटपुट सिग्नल है। तो ये हम लोग का जो यहाँ पे रुक जाता है इसको कहते हैं क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन। तो ये क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन जो है इसको फिर ये भी अपीयर होता है हम लोग का यहाँ पे पुश पुल ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन में, जो हम लोग ओपाम के केसेस में इन यूज़ करते हैं। और ओपाम अगर इसमें हम फीडबैक लूप में यूज़ कर लेते हैं तो क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन से थोड़ा सा हमें फेथफुल रूप में, मतलब हमें कुछ अच्छा आउटपुट मिल सकता है, कुछ स्टेबल आउटपुट मिल सकता है, कुछ इस प्रकार से आउटपुट हमें मिल सकता है। ये ग्रीन वाला हमारा इनपुट सिग्नल है दोस्तों, और रेड कलर में जो दिया गया ये आउटपुट सिग्नल है। और देखिए यहाँ पे हम लोग का एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगाने की वजह से आउटपुट भी हमारा एम्पलीफाइड मैनर में आया है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम लोग क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन को भी हटा सकते हैं पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन में एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज करते हुए। इस सर्किट में आप देख सकते हो फ्रेंड्स। तो अगर हम फीडबैक की बात करें तो फीडबैक में यहाँ पे जनरली ये एक डॉग दिया गया, बट डॉग नहीं होता है ऐसा। बट यहाँ पे अगर हम इन्वर्स डॉग की बात करें तो कुछ भी आप यहाँ पे ऐसे तो ऐड नहीं कर सकते हो। ऐड अगर करना है तो आपको मान के चलना होगा कि उसके लिए यूज़ हो सकता है, कि जैसे नॉन लीनियरिटी चीज़ों को आप हटाना चाहते हैं उस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो। कुछ भी चीज़ों को आप फीडबैक में यूज़ नहीं कर सकते हैं ओपाम का। थैंक यू फॉर योर टाइम इन PK टेक्निकल क्लासेस। आज का दिन आप लोगों का शुभ हो, और इस प्रकार से आप चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। लिखिए, पढ़िए और आगे